हैं राज भाई, जिन्होंने मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से 0-53-62 ट्रेन नंबर का वीडियो बनाकर हमें भेजा। राज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच मेरे भाई, एक अच्छा सा प्यारा सा वीडियो बनाकर हमें भेजने के लिए। आपकी वजह से हम मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन की काफ़ी अपडेट्स दे पाते हैं, थैंक यू सो मच मेरे भाई। सामने देख सकते हैं पीलीभीत की दिशा है। लगभग 50 दिन के बाद मैलानी बहराइच अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन या पैसेंजर ट्रेन भी कहें, उसका संचालन शुरू हो गया है। पलिया से पहले लगभग 2 जगह ट्रैक का भारी कटान हो गया था, खास तौर से पलिया के पास। उसको बनाने में लगभग 45 दिन से ज़्यादा लग गए, यानी 50 दिन के करीब में। सामने देख सकते हैं तो आज फिर से 8:30 बजे के करीब में 0-53-61 जो मैलानी से बहराइच के बीच में अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन चलती है, ये उसका व्यू है। मैलानी बहराइच के बीच में एकमात्र जोड़ी ही अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन होता है, यानी कि सुबह 8:30 बजे मैलानी जंक्शन रेलवे स्टेशन से ये ट्रेन छूटती है और 8:30 बजे ही बहराइच की दिशा से भी ट्रेन छूटती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ट्रेन जा रही है, बहराइच के लिए रवाना हो गई है लगभग 50 दिन बाद। बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि एकमात्र ही साधन है, एक ही ट्रेन है ये मैलानी से बहराइच के लिए। फिर अगले दिन के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, और मेरा मानना है कि कम से कम 2 ट्रेनें तो ज़रूर होनी चाहिए, एक दोपहर में भी होनी चाहिए, जिससे कि ट्रेनों का लाभ अन्य यात्रियों को भी मिल सके। क्योंकि अगर सुबह 8:30 बजे ये ट्रेन यहाँ से चलती है और कोई ना पहुँच पाए, तो कम से कम उसके लिए दूसरी ट्रेन का ऑप्शन भी होना चाहिए। तो एक ट्रेन और बढ़ाई जानी चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे कि इन रूटों पर रहने वाले यात्रियों या निवासियों को उसका लाभ मिल सके। फिलहाल आज कम यात्री ही सफ़र कर रहे हैं, बहुत से लोगों को पता नहीं चल पाया कि आज से ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है, यानी कि 11 दिसंबर 2021 से, और कल बहराइच की दिशा से भी ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। इसके अलावा बहराइच से नानपारा के बीच में भी चलने वाली जो अनारक्षित एक्सप्रेस ट्रेन थी एकमात्र, उसका ट्रेन का संचालन भी कल से शुरू कर दिया जाएगा। ये रेक वहाँ से पहुँचेगा और फिर उधर से वापसी करेगा कल से बहराइच रेलवे स्टेशन से सुबह 8:30 बजे, और बहराइच से आज कोई ट्रेन नहीं चलेगी क्योंकि वहाँ पर रेक उपलब्ध नहीं है। जो रेक उपलब्ध है वो बहराइच से नानपारा के लिए उपलब्ध है, बहराइच से मैलानी के लिए नहीं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, लगभग खाली ट्रेन है और मुश्किल से 10-15 यात्री ही आज सफ़र कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले जब ये ट्रैक तैयार हुआ था पलिया के पास में, जिसका मैंने आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि ट्रैक इज़ रेडी फॉर रनिंग द ट्रेन, तो उस पर से मालगाड़ी गुजार कर ट्रैक का परीक्षण किया गया था, और कल भी यही परीक्षण दोहराया गया। मालगाड़ी के 3 डिब्बे को ऊपर से निकाला गया, तब जाके ट्रैक को फिट घोषित किया गया। तो सामने देख सकते हैं पूरी की ट्रेन जो है वो खिड़कियां बंद हैं, 10 से 15 यात्री सफ़र कर रहे हैं। कल से उम्मीद है कि यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, लोगों को पता चलेगा। आप लोग भी वीडियो को खूब शेयर कीजिएगा, जिससे कि लोगों को जानकारी मिल सके कि ट्रेन का संचालन शुरू हो गया है। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट, एक नई जानकारी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।